सिंगल वाला ही हिंदी, अली नॉन कमर डीसी अटक। आज मैं बेसिकली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोरोना के केसेस जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल 14 केसेस थे, आज 16 केसेस आए हैं और अभी 2-3 हज़ार जो रिपोर्टें हमारी पेंडिंग है, तो जिस हिसाब से जा रहा है मुझे लगता है कि शायद मज़ीद केसेस भी हैं। तो उसमें गुजारिश ये है कि शहर के अंदर नज़र यही आ रहा है बजाय कि लोगों को इतना कंसर्न नहीं है, इतनी फिक्र नहीं है इस चीज़ के ऊपर, हालांकि ये बहुत सीरियस एक इशू है। तो उसमें मैं सब दोस्तों से जो भी मैसेज देखें और यहाँ उसको सुने, उनसे गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मास्क देखें, आप तो इतने महंगे भी नहीं हैं, हर जगह आसानी से अवेलेबल है। आप लोग बाहर निकलते हैं, आप लोग बाज़ारों में जाते हैं, आप अपने यारों दोस्तों से अहबाब से फैमिली से मिलते हैं, तो मास्क ज़रूर पहने। मास्क जो है ना वो बेहतरीन इस वक्त डिफेंस है आपका इस वायरस के अगेंस्ट। दूसरा ये है कि गैदरिंग में मत जाएं। शादी ब्याह का सीज़न है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पाबंदी लगा दी है 300 से ज़्यादा गैदरिंग के ऊपर कि इससे ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप गैदरिंग से मत जाएँ, शादी ब्याह को अवॉइड करें, क्योंकि मैक्सिमम जो स्प्रेड है वो इन शादी ब्याह के ऊपर हो रहा है। तीसरा ये कि अगर आपको किसी किस्म की खांसी, ज़ुकाम, नज़ला या आपकी तबीयत ख़राब है, बुखार है, गला ख़राब है, गले में खराश है, तो मेरे बरए मेहरबानी घरों में रहें, बाहर मत जाएं, अपने आप को अलहदा कर लें। हो सकता है कि आपको कुछ ना हो और आपको कोरोना के सिम्टम्स आगे चले जाएं, लेकिन किसी और को, किसी बुज़ुर्ग को उसकी जान का ख़तरा हो सकता है। चौथी बात ये है कि ये ख़तरनाक ज़्यादा बुज़ुर्गों के लिए है। सेकेंड वेव है, इसमें अमवात ज़्यादा हो रही है, इसमें डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं और इसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक बड़े हिसाब सुथरे माशरे का हिस्सा है, तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि कोरोना जो है कितना ख़तरनाक है और ये हम लोगों के आसपास मंडला रहा है। आज जो 16 केस निकले हैं, कल 14 निकले थे, ये इसी शहर के लोग हैं, इसी तरह इन लोगों में ये फैल रहा है। तो गुजारिश ये है कि एहतियाती तदाबीर पर पूरा ज़ोर दें और अपने आप को भी महफूज रखें और अपने अजीज़ों को और कारब को, यार दोस्त को भी महफूज रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।